जी आप पहले हम स्पंज बनाएंगे केक के लिए। ठीक है, बर्थडे केक का स्पंज बनेगा। पहले 4 अंडे हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, होल एग। ठीक है, और ये शुगर डाल दिया हमने 125 ग्राम शुगर। ठीक है, और ये हम अच्छे से फ्लफी कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ओके, अपने वनीला एसेंस है हमारे पास। ठीक है, वनीला एसेंस इसमें लिखा नहीं है, आप प्लीज लिख लीजिए, 1/2 टीस्पून। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा मैंने फ्लावर में ऐड कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फ्लावर भी 125 ग्राम है, बेकिंग पाउडर है आपका तकरीबन 1/2 टीस्पून और बेकिंग सोडा भी 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। जो हम केक की डेकोरेशन करने वाले हैं उसके ऊपर हम व्हिपिंग क्रीम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि फिर वो गोल्डन डस्ट से जब हम पेंट करेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम आएगी। मैंने तो आपको तस्वीर दिखाई है केक की। इसको अंडे और चीनी को जैसा आप स्पंज के लिए फ्लफी करते हैं वैसा करना। साथ ही मैं ये भी मेल्ट कर लेता हूँ ताकि हमें टाइम जो है ज़्यादा ना लगे। ठीक है, ये चॉकलेट है, वाइट चॉकलेट है 300 ग्राम, इसी केक के लिए ना। जी जी। अच्छा, ये आप प्लीज़ इसमें नीचे लिख लें फ्रॉस्टिंग। ठीक है, 300 ग्राम वाइट चॉकलेट, 300 ग्राम वाइट चॉकलेट है, 300 ग्राम ही ऑयल है। दोनों को मिलाकर हम ये ग्लेज बना लेंगे। ये ग्लेज आप केक्स के ऊपर भी यूज़ होता है, जैसे हम गनाच वगैरह डालते हैं तो चॉकलेट की फुल कोटिंग हो जाती है। आइसक्रीम्स के ऊपर चॉकलेट की जो कोटिंग होती है तो वो चॉकलेट के अंदर ऑयल या कोका बटर सब्सटीट्यूट मिलाकर उसको मेल्ट कर लेते हैं, थोड़ा थिन कर लेते हैं। तो ये वही हम बनाएंगे इंशाल्लाह, और ये जो है हम विपिंग क्रीम के अंदर विप करने के बाद ऐड करेंगे। तो ये हमारी बन जाएगी फ्रॉस्टिंग, वाइट चॉकलेट की बहुत अच्छी फ्रॉस्टिंग बनती है। जितना चॉकलेट आपने लिया है 300 ग्राम उतना ही ऑयल जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, और फिर उसके बाद जब विप क्रीम विप होगी तो उसमें जाएगा, आपके सामने ही होगा, तो आप देखते रहिए। आप ऑयल डालना शुरू कर देंगे। हम देखें ऑयल कितना आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, स्पीड हमने स्लो कर दी है मशीन की। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम ऑयल इसमें डालते रहेंगे। एक साथ डालेंगे तो क्या होगा कि वो फॉर्म बैठ सकता है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता करके जिस तरह आप मेयोनीज के अंडों में के ऑयल डालते हैं उसी तरह आपको इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके तेल डालना है। अगर तेज़ी से डालेंगे जो अंडे आपके फ्लफी हो गए हैं वो बैठ सकते हैं, ये ख्याल। मैदा, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा ऑल इन वन सब मिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्ड करना है। बहुत तेज़ी से नहीं करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है एक ही तरह से। और फिर इसको 2 7 इंचेस के राउंड पैन्स ग्रीस किए हैं, बटर पेपर लगाया है और फिर उसमें ये जाएगा आधा आधा मिक्सचर और इसको हम बेक करेंगे 160 डिग्री पे फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, लेकिन उनैद ने ये केक्स स्पंज बेक करके लाए हैं तो हम फिर उसकी आते ही फ्रॉस्टिंग शुरू करेंगे। 2 केक बेक किए थे 4 4 अंडे के, उसको बीच से काट के क्रीम लगाई, विपी विप की। ठीक है, आप हम अपने केक को कंटिन्यू कर देते हैं, ये इतनी देर में हार्ड भी हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ हम जो है फ्रूट डालेंगे 1 स्पून। अंदर क्रीम है, क्रीम के ऊपर पाइन एप्पल्स हैं, कोई भी फ्रूट डाल दें आप, फ्रूट कॉकटेल डाल दें, स्ट्रॉबेरीज डाल दें, है ना। जी आप अंदर सॉसेज भी यूज़ कर सकते हैं आप, बेक हाउस के सॉसेज। ये इतने अच्छे क्रिस्प हो गए माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी क्रीम भी लगाएंगे हम क्योंकि फ्रूट लगाया हमने। अच्छा, आजकल हाइट वाले केक्स बहुत चले हुए हैं ना, खूबसूरत लगते हैं। हल्का सोक करेंगे, ज्यादा सोक नहीं करेंगे क्योंकि आप जो हाइटेड केक बनाते हैं अगर ज्यादा सोक कर दिया केक डीस्टेबल स्लिप हो जाएगा। अच्छा, ये आपने प्लेन सिंपल मिल्क लिया है? नहीं, इसके अंदर कंडेंस मिल्क है आपा, हाफ और हाफ इसके अंदर वाटर है। हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। ओके, एजीज आप बराबर कर लें। स्पंज पहले से बनाया हुआ मैंने, फ्रेश स्पंज के ऊपर इतना हाइटेड केक नहीं बन पाएगा, मुश्किल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वेट स्केल आपा, बाउल का वज़न है
800 ग्राम तकरीबन। अच्छा, आपने करके रखा था। तकरीबन 60 ग्राम क्रीम हमें डालनी होगी इसमें, तो हमारी 300 ग्राम हमें इसके अंदर मिल जाएगी क्रीम। विप होने के बाद क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाता है तो आप वैसे तो अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। ये भी स्लो स्पीड पे ही डालेंगे हम, तेज़ रफ्तार पे मुश्किल होगी। और ये ठंडा होना ज़रूरी है ग्लेस, जैसे मैंने तैयार किया था पहले इसीलिए कर लिया था कि जब तक ये मैं काम करूँगा ठंडा हो चुका होगा। गर्म डाला तो फिर क्रीम हमारी वो एरेशन उसकी ख़राब हो जाएगी। अब हम कलर बना लेते हैं जो हमें केक को कलर देना है। क्रीम के अंदर व्हाइट चॉकलेट गनाश। अच्छा, आप अगर मजीद सफाई से काम करना हो ना तो हमें करम कोट करके फ्रिज में रखना चाहिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काम सफाई से ही हो। वैसे ही हो रहा है बेटा। आपने किससे सीखा बनाया था ये सब? पापा, ये मैं थोड़ा बहुत सीख कर आया था, बाकी जो सही मायनों में जो मैंने काम ये समझ लें पॉलिश हुआ है वो हाँ। मिल्की फूड में ही हुआ है। शेफ़ रशीद, शेफ़ फैजुल्ला, शेफ़ नईम, शेफ़ आदम, सबसे ही सीखा है मैंने। कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिससे मैंने ना सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ रशीद को थोड़ा टाइम ज़्यादा दिया है, वो तो मास्टर है ना, सबसे बड़े हैं ना। वाकई माशाल्लाह, एक्सपीरियंस बाहर के सीखे हुए बहुत काम आता हूँ। अब इसके ऊपर हम करेंगे ग्रे कलर की क्रीम से थोड़ा सा काम, थोड़ा सा जो है क्रैकिंग टाइप का एक पैटर्न बनाएंगे हम। किसका? जैसे ज्यूट केक के ऊपर होता है ना, ज्यूट केक टाइप का ही होगा। बनाता हूँ इंशाल्लाह। जल्दी 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 आप एक स्पैचुला बल्कि है। ठीक है, ग्रे कलर भी आता है जी? नहीं, ये ब्लैक है ना आपा। ब्लैक जब हम व्हाइट में थोड़ा सा डालते हैं तो वो ग्रे शो होता है। ओके, ये सब कुछ मिल्की बेक हाउस से आपको मिल जाएगा। आपा पकड़िएगा, आपा थोड़ा ऊपर से क्योंकि मैं ज्यादा भरूंगा ना। सीधर दीजिएगा, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो नहीं आए।
इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से शेफ नहीं आएंगे। ये क्या बना रहे हैं आप? अभी आप देखिएगा, आपका जब पूरा हो जाएगा ना इंशाल्लाह। अच्छा। ऊपर से पहले करने की वजह ये है कि आइसिंग जो है हार्ड हो जाती है। अगर मैं नीचे से करता और फिर ऊपर आता तो फिर आइसिंग हार्ड हो चुकी होती है और वो प्रॉपर जो है काम नहीं हो पाता हमारा। आपने इसको छुरी से क्यों नहीं लगाया? हाँ भाई, जगह जगह से मुझे इसे जो है ना थोड़ा सा छोड़ना था, जहाँ पे मैं गोल्डन डस्ट से भी पेंट करूँगा। ये आ गया हमारा शुगर सेल जो मैं बना के लाया हूँ। आपका केक की फ्रंट साइड क्या रखें जी? ठीक है, ये वाली। हाँ, ये आ गया हमारा शुगर सेल। ये शुगर से बनाया है। अच्छा, अब इसको पेंट करने के लिए ना केक को मुझे फ्रिज में रखना पड़ेगा आपका। फिर गोल्डन जब पेंट किया जाएगा ना इसके एजेस पे, तो फिर केक की ब्यूटी सही मायनों में नज़र आती है। अभी ठीक से आइसिंग हार्ड नहीं हुई है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं जितना भी हो सके। ठीक है, कमाल है भाई, क्या आर्ट है। मुझे तो इस पे हैरानगी हो रही है, ये कैसा बनाया है चीनी से। उफ, होता इसमें भी कई इफेक्ट आते हैं आपा। हम ये इंशाल्लाह अगर आगे शो किया तो फिर इसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, बेक साइड वाले को हम रहने देते हैं, टाइम कम है हमारे पास। ये क्या चीज़ है? ये फॉन्डेंट की बॉल्स हैं। अच्छा, फॉन्डेंट की है। फॉन्डेंट की बॉल्स हैं, ये मैंने कल बनाई थी ताकि जो ये हार्ड हो जाए और मैं इसके ऊपर काम कर सकूँ। हाथ पे गोल्डन डस्ट उस पर लग गई थी, ग्लव्स पे जब भी उतारा। जहाँ ठीक लगे आप वहाँ डेकोरेशन कर सकते हैं। ओके, और ये सब एडेबल है? जी, सब एडेबल है। हाँ। ठीक हो गया आपा, ये हमारे केक की फाइनल डेकोरेशन हो गई है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।